सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नोट्स को और लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को। हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट और आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर का 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो उसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रवि भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल नोट्स। देखिए यहाँ पर अपने को निकाला है 9th एंड 10th कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं 9th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी नंबर का यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन मिलेगा वो अपने को डेसिमल फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। मतलब जो वहाँ क्वेश्चंस होंगे वो हमारे 0 से लेके 9 तक के नंबर्स होंगे, डेसिमल उसका बेस होगा। और अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर हमें कोई डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है और उस नंबर को हमको 9th कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में चेंज करना है तो उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई अपने को डेसिमल क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए 26 है, ठीक है। बेस में 10 मतलब ये हमारा हुआ डेसिमल नंबर जिसको अपने को कन्वर्ट करना है 9th कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। 9th कॉम्प्लीमेंट में इसको कन्वर्ट करना है तो 9th कॉम्प्लीमेंट को निकालने का एक बहुत ही इजी और आसान तरीका है कि आपको बस करना क्या है कि जो भी आपको डेसिमल डिजिट दिया हुआ है उसके ईच डिजिट में मतलब सभी डिजिट में हमको 9 से उसको सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। 9 से अगर आप उसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कहलाता है आपका 9th कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि आपको याद होगा मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ाया था। तो वहां पर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में दिए गए बाइनरी नंबर को जब हम लोग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर रहे थे तो उसको हर बीट को हम लोग 1 से सबट्रैक्ट किए थे। सेम वैसे ही आपको 9th कॉम्प्लीमेंट भी करना है। यहाँ पर आपको जो भी डेसिमल वैल्यू मिलेगा आप उस डेसिमल वैल्यू को कि हर डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 26 है, डेसिमल फॉर्म में है। अगर मेरे को इस 26 को 9th कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है तो इसके ईच डिजिट को हम लोग 9 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए 6 को भी 9 से और 2 को भी 9 से, याद रखिएगा 9 से ही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। हाँ, अब देखिए आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 6 गया 3, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ 9 है, यहाँ पर 2 है तो 9 में से 2 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, ठीक है। तो यहाँ कितना रहा है 73, तो 73 यही हमारा कहलाएगा 9th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 9th कॉम्प्लीमेंट 73, 26 का 9th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 73। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 235, ठीक है। ये अपना डेसिमल में है जिसका हमने को 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल जो आपका क्वेश्चन है पहले तो आप उसको राइट डाउन कर लीजिए और उसके बाद ईच डिजिट इसके सभी डिजिट्स को हमको 9 से सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। देखिए हर डिजिट को 9 से सबट्रैक्ट कर देंगे तो जब आप यहाँ 9 को 5 से सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, वैसे ही 9 को 3 से सबट्रैक्ट किए तो 6 आएगा और 9 को 2 से सबट्रैक्ट किए तो 7 आएगा, ठीक है। तो 235 का 9th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 764, ये है अपना 9th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो फ्रेंड्स ऐसे आप आसानी के साथ किसी भी दिए गए नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान यही रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो आपका डेसिमल फॉर्म में होगा तो उसके डेसिमल फॉर्म में जो आपको क्वेश्चन मिल रहा है उसके हर डिजिट को, ठीक है, उसके हर डिजिट को आपको 9 से सबट्रैक्ट करना है तो जो आपका उसका आंसर होगा वही कहलाएगा 9th। सेकंड है 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे सॉल्व करना है, अब देखिए अगर इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। जैसे कि याद करिए मैंने आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले दिए गए बाइनरी नंबर्स का हम लोग पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाले थे। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसके रिजल्ट में जब हम लोग 1 ऐड कर दिए थे तो उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट हो गया था। सेम वैसे ही अभी जैसे कि मैंने आपको 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना बताया, अगर आपको उसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले आप उस दिए गए डेसिमल नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालिए, मतलब उसके ईच डिजिट्स को 9 से सेपरेट करिए तो जो उसका आंसर आएगा आप उस आंसर में जब 1 ऐड कर देते हैं तो वो रिजल्ट आपका हो जाता है 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था, हमारे जो क्वेश्चन 26 ही है, ठीक है, और ये अपना डेसिमल फॉर्म में है और इसका अपने को निकालना है 10th कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले इस डेसिमल डिजिट जो भी आपको मिला हुआ है, आप इस डेसिमल डिजिट का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इस हम लोग 9 से सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 9 से आप सबट्रैक्ट करेंगे तो 6, 9 को 6 से सबट्रैक्ट किया कितना आया 3, और 9 को 2 से सबट्रैक्ट किया तो आया 7। तो 73 ये हमारा है 9th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये कहलाया अपना 9th कॉम्प्लीमेंट। जब मैं अगर मेरे को इसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो आपको बस करना ये है कि यहाँ पर प्लस ऐड कर दीजिए, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसमें आपको प्लस, केवल प्लस ऐड करना है, प्लस 1 ऐड करना है, ठीक है। अब प्लस 1 यहाँ ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 74। सो फ्रेंड्स ये 74 हो जाएगा हमारा 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ऐसे आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको 9 से सेपरेट करिए तो निकलेगा 9th कॉम्प्लीमेंट, उसके रिजल्ट में जब आप 1 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 275, ये अपना डेसिमल फॉर्म में है, इसका आपने को निकालना है 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले आप इस 275 को यहां नोट कर लीजिए, उसके बाद इस जो भी क्वेश्चन है हमारा 10th कॉम्प्लीमेंट के डेसिमल फॉर्म में, तो पहले आप इसको 9th कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करिए। तो 9th कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप ईच नंबर्स को 9 से सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर जब इसको 9 को 5 से सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 को 7 से सबट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 9 को 2 से सबट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये आ गया अपना 9th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये निकला अपना 9th कॉम्प्लीमेंट। अब आपको इसी को 10th कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आपको केवल रिजल्ट में 1 ऐड कर देना है, तो 4 और 1 हो जाएगा 5, यहां पर 2 और यहां पर 7। सो फ्रेंड्स ये निकल गया अपना 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी दिए गए डेसिमल नंबर का 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये जो 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल नोट्स को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।